की लाइव देख रहे हैं आप। पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को अकेले छोड़कर भले लोजपा पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उन्हें कोई खास बदलाव मिलती भी नजर नहीं आ रही। स्थिति ये है कि पशुपति कुमार पारस से झटका खाने के बाद भी चिराग पासवान पहले से ज्यादा ताकतवर राष्ट्रीय नेता बन गए हैं और अब भाजपा भी इन्हें पहले से ज्यादा महत्व दे रही है। यानी कि पशुपति कुमार पारस का दिया गया झटका चिराग पासवान के लिए वरदान साबित हुआ और आज चिराग पासवान की गिनती देश के बड़े नेताओं में हो रही है। वैसे भी भाजपा जिसे जैसे कि विनिंग मशीन कहा जाता है, भाजपा जो है उसे विनिंग मशीन कहा जाता है। आम आदमी पार्टी भी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी में खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता मौजूद हों, अगर वह पार्टी भी चिराग पासवान का गुणगान करती नजर आ रही है तो इससे साफ है कि मौजूदा समय में चिराग पासवान की लोकप्रियता के आगे पशुपति कुमार पारस कहीं नहीं बिक रहे हैं। देखिए, ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता कितनी है। वैसे भी बिहार में हुए पिछले तीन उपचुनावों में से साफ हो गया है कि चिराग पासवान की रैली से चुनावी हवा बदल जाती है। यही वजह है कि पशुपति कुमार पारस के सहयोगी नेता भी चिराग पासवान की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। गौरतलब है कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय लोजपा नेता सूरज खान सिंह ने कहा था कि चिराग पासवान देश के लीडर है। उन्होंने चिराग पासवान को दलितों का भी नेता बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि चिराग पासवान की रैली से किसी भी क्षेत्र में चुनावी हवा बदल जाती है। यह अभी जो हमने आपसे पहले कही कि उनकी रैलियों से चुनावी हवा बदल जाती है, हमने नहीं कहा था। वैसे चुनावी रैली से किसी भी क्षेत्र की चुनावी हवा तो बदल ही जाती है। यह सब प्रकरण इसी ओर इशारा कर रहा है कि अब चिराग पासवान अपने पिता के परछाई से आगे निकल चुके हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में चिराग पासवान सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे के रूप में नहीं पहचाने जा रहे हैं, बल्कि उनकी अपनी पहचान है। चिराग पासवान एक बड़ा नाम है। वही जनता भी उन्हें रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी मान रही है। ऐसे में जानकारों के अनुसार चिराग पासवान की लोकप्रियता को देखते हुए ये साफ है कि आने वाले समय में भाजपा का जब भी चिराग पासवान के साथ गठबंधन होगा तो मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें मजबूत विभाग मिल सकता है। साथ ही अगर बिहार में परिस्थितियां बदली तो फिर चिराग पासवान एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी बन सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो चिराग पासवान ने अपने दम पर खुद को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज वह सिर्फ लोजपा रामविलास की नहीं बल्कि भाजपा की भी सही देव बने हुए हैं और आने वाले समय में उन्हें इसका बड़ा इनाम मिल सकता है। खैर, रिपोर्ट के साथ फिर हो गया। नमस्कार।